प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो यहां पे रेलवे के तरफ से आई एक नई अपडेट के बारे में मैं बात करने वाला हूं और आज के न्यूज़पेपर में ये अपडेट दिया गया है। बताया जा रहा है रिक्त पदों पर साल में 4 बार होगी भर्ती, ये यहां पे जो है बात कही गई है। दिसंबर 2024 तक जो है 61,529 खाली पदों पर भरे जाएंगे। नए नियम से रिक्त पदों को समय पर भरा जा सकेगा, ये यहाँ पे बात किया गया है। इसके अलावा रेलवे में RPF का जो बहाली निकाला जाता है उसमें अग्निवीर जो ज्वाइन किए हैं उनमें 10% छूट उनको जो है दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने जो है विभाग में तिमाही भर्ती प्रक्रिया में 2 मार्च को रेलवे सुरक्षा बल RPF के 4,660 रिक्त पदों पर भर्ती करने की घोषणा की। इसमें 10% सीट 4 साल के नौकरी पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए जो है आरक्षित होगी। अग्निवीरों को उम्र में 5 साल की छूट भी दी जाएगी, ये यहाँ पे बात किया गया है। डिटेल में और यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय रेल में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं को अब लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, यानी एक गुड न्यूज़ यहाँ पे जो है निकल कर आई है। रेलवे खाली पदों के लिए जो है साल में 4 बार यानी हर तिमाही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। यह योजना के तहत वर्ष 2024 के अंत तक 61,529 रिक्त पद पर भर्ती करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद नए साल में जनवरी दिसंबर के दौरान खाली हुए पदों पर नियुक्ति के लिए पुनः उक्त प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस नए नियम से हर साल रेलवे में खाली होने वाले पदों की को समय पर भरा जा सकेगा, युवाओं को उम्र खत्म होने से पहले नौकरी मिल सकेगी। रेलवे बोर्ड के दस्तावेज के अनुसार जनवरी मार्च में 2024 में सहायक लोको पायलट के 18,799 पदों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। मालूम हो कि रेलवे में पहले जो है 15 दिसंबर 2023 को 5,696 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया गया था, लेकिन कंचनजंगा रेल हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस की संख्या बढ़ा दी और रेलवे ने जो है अप्रैल जून में 9,144 तकनीकी पदों पर भर्ती लेने का ऐलान किया, जबकि जुलाई सितंबर के दौरान जूनियर इंजीनियर के 7,951 पदों का और NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 4-5-6 के 16,154 और पैरामेडिकल कैटेगरी में 1,376 खाली पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है। सितंबर तक अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी लेवल 2 और लेवल 3 के 3,445 पदों की भर्ती करने की घोषणा कर दी जाएगी। वही यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि आपका अक्टूबर दिसंबर के दौरान रेलवे मंत्रालय में खाली पदों पर भर्ती करने की घोषणा की जाएगी, मतलब और जो भी बहाली निकाली जाएगी वो देखा जाएगा कि कितना सीट और वैकेंट हुआ है, उसके बेसिस पे आपका जो है आगे और भी बहाली जो है निकाली जाएगी। तो NTPC का भी बहाली जो है आपको निकाली जाएगी और आपका जो है यहाँ पे पैरामेडिकल कैटेगरी का भी। तो ये एक बड़ी अपडेट है, बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को और स्पीड अप दे दीजिए ताकि इससे आपको जो है बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।